double to like, double to comment, double to subscribe. जेट तो भाई साहब इसमें दिखाया है कि सरनेम में डेट लिखी है और कुंडोल से पहले से ही फ्लाइट वैसे कुछ डेकोरेटेड फ्लाइट बनाई हुई है इन्होंने और ये सब देखो ये रहा पूरा का एयरप्लेन। गाइस स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद जैट के एक और एपिसोड के अंदर। तो एज यू हैव सीन टाइटल थंबनेल की आज मैं जा रहा हूं बैंगलोर से अपना कुंडोल के लिए। बाकी देखते हैं कैसे कह रहा था रास्ते के अंदर। ठीक है अभी बैंगलोर से निकल चुका था, बैंगलोर में मेरा प्लान था नहीं, बाकी स्टे ले लिया आराम करने के हिसाब से। अब निकल चुका हूँ, हाईवे के अंदर पहुँचा हूँ तो थोड़ा सा सोचा कि पेट पूजा हो जाए। तो श्री सल्लम वेज करके है एक रेस्टोरेंट, ठीक है खाते हैं पीते और चलते हैं आगे की। ये अपना मसाला डोसा, मसाला डोसा से अपनी फिल्टर कॉफ़ी, ओहो एंड सेकंड थिंग आलू पूरी और ये अपने साथ ये चीज़ें हैं इसकी। लेकिन अपन क्या है खाते हैं ग्रेवी वाला माल, ठीक है तो बस अब देखते हैं ग्रेवी वाला क्या क्या है, उसके बाद ग्रेवी वाला मंगाते हैं, ग्रेवी वाला ही सब ट्राई करते हैं। साग हरी चटनी ये तो चटनी कोकोनट वाला चटनी है, ये तो आलू वाला मैश सांभर। भाई सब हो चुका है यहाँ से सर वेलम, क्या नाम था इसका श्री साइलम वेज, अच्छा रेस्टोरेंट था द बॉल ऑफ योगा। तो ये है अपना शिव स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट करता है अपने योगा को। ये अपने साथ में जो भाई है शिव भाई, इनका नाम भी शिव है। तो ये कह रहे थे कि भैया यार अपन वहाँ चल रहे हैं तो अपन वाया कर्नाटका में आदि योगी का स्ट्रक्चर है जो योगा का वो रिप्रेजेंट करता है, अपन वहाँ होकर चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई तुम कहते हो तो यहाँ भी सही, तो बस इनके साथ साथ अपन यहाँ भी आ गए हैं। तो ये है एंट्रेंस भाई यहाँ की, आप देख सकते हो सामने स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कुछ नज़ारा है यहाँ का पूरा, एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है एजेंसी और पार्टनर राइडर। तो हम जा रहे थे आज अपना रास्ता था वहाँ के लिए आंध्रा के लिए, तो उसने कहा भाई कर्नाटका के अंदर एक आदि योगी स्ट्रक्चर है कोयम्बतूर में नहीं जा पाए यार, तो प्लीज़ यार उसको लेकर अपन यहाँ आ चुके हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने में, अपन यहाँ पर देखने आया कि एक शिवा की फॉर्म के अंदर एक योगा को इंडिकेट किया गया है, पता नहीं क्या सीन है, मैं डिटेल में आपको डाल दूँगा साइड में, वो देख लेना आप। वहीं चलते हैं एक बार देखते हैं क्या सीन है। तो कैसे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसकी हाइट 112 फीट और चौड़ाई करीबन 80 फीट और डेप्थ ऑलमोस्ट 60 फीट। तो कैसे यहाँ पर बड़ा एक त्रिशूल भी रखा हुआ है और साथ में एक नंदी भी है, शायद यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ शिवा भाई गए हैं अभी अंदर। और देखो स्ट्रक्चर देखो यहाँ का यार, और त्रिशूल की तरह इनकी चारों ओर की बाउंड्री वगैरह बनाई गई है आप देख सकते हो गाइस, और स्ट्रक्चर की हाइट 112 फीट। और एज आ रीडर जितना मुझे को पता है जितना मैंने सुना है इसके बारे में भी शिवा भाई से, उन्होंने कहा इसका वजन है 500 टन। तो भाई साहब हो गया अपना यहाँ से तो अब ठीक है, अब कर्नाटका से अपन जा रहे हैं अपने 9वें राज्य के लिए जिसका नाम है आंध्र प्रदेश और वहाँ का एक शहर है कुर्नूल। तो अपन वहाँ स्टे करने का प्लान कर रहे हैं आज, फॉर श्योर जो जो रहेगा आपको दिखाता रहूँगा। हाँ पूरे ब्लॉग के अंदर बना रहना, सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, रोड के नज़ारा सब कुछ दिखाता रहूँगा आपको। तो भाई साहब ये तो 103 प्राइसिंग है यहाँ का, ओहो कर्नाटका का पहला 102 था अब 103 है यहाँ पर, गजब भाई प्राइवेट पेट्रोल पंप। गाड़ी 80 की स्पीड में अच्छी चल रही है एकदम मस्त, क्या रोड आ रहे हैं भाई एकदम फ्लेक्सिबल एकदम मस्त रोड है देखो आप, आय हाय क्या बाग बने हुए हैं ना साइड में डिवाइडर्स के। चलो मैं लगाता हूँ टाइम लैप्स, एंजॉय करो आप। पूरा माहौल है 228 किलोमीटर भी बाकी है, 3 घंटे 47 मिनट बता रहा है, चलते हैं पहुँच जाएंगे यार आराम से। प्लान तो मेरा हैदराबाद का था आज कि आंध्रा में थोड़ा सा काम करके निकल जाएंगे हैदराबाद के लिए, बट हो सकता है जंगल वगैरह हो, 212 किलोमीटर ही है, देखते हैं। तो कल अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकल जाऊंगी, कल पूरा दिन एक्सप्लोर करना है यार, रामोजी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैदराबाद के अंदर सब करेंगे अपन, मजे से इन्जॉय। तो भाई साहब इन माय राइट यू कैन सी ये पूरा किया का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब मे बी पूरे इंडिया के अंदर यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग होती है किया के अंदर। ओहो भाई साहब इस रैम्बो को देखने के लिए मेरी मेरी धन्नों को रोका है, चलो बढ़ाते हैं और रैम्बो को दिखाते हैं। ये देखो भाई मतलब आ गई और कहीं ना कहीं बारिश हुई है तो इस वजह से सूरज के प्रकाश की वजह से जब नीचे किरणें पड़ती है तो उस वजह से होता है ये रैम्बो का प्रकाशन। हाय हाय क्या सनसेट होने वाला है ना भाई, क्या लग रहा है एक नंबर। अबे भाई आंध्रा में एंटर करते ही 109 110 का पेट्रोल,
अबे गजब है भाई, 106 तो हमारे यहाँ पर ही राजस्थान में, 109 आंध्रा का सबसे महंगा पेट्रोल है अभी तक का अपने ऑल इंडिया राइड का। यार वास्तव में बहुत महंगा पेट्रोल है यार आंध्रा के अंदर तो। मैंने तो 500 का डलवाया भाई, क्योंकि मैं देखता हूँ अब वहाँ अपना तेलंगाना में कितना रहेगा भाई। मैटर करता है भाई, मैटर करता है सच में। फाइनली कुंडल के यहाँ पर, कुंडल कुंडल जो भी है, यहाँ पहुँच चुका हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे क्या है, मतलब 5-7 किलोमीटर पहले हूँ अब तो, ठीक है। आप नज़ारा देख लिया, सनसेट हो चुका है। बाकी उससे पहले इतनी सी प्यारी सी जगह पर आया हूँ ना, देख के मज़ा आएगा आपको। लेट मी शो यू। तो सामने है पहला एयरपोर्ट रेस्टोरेंट, आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है ना कि एयर इंडिया का हो ये वाला। प्रॉपर वही है भाई, कैबिन वगैरह सब कुछ है। चलो चलते हैं, एक बार देखते हैं अंदर। ये है कुर्नूल फर्स्ट एयरबस रेस्टोरेंट, ठीक है। तो अपन चलते हैं यहाँ पर अंदर, एक पूरा रेस्टोरेंट टाइप का एरिया है, ठीक है। और फिर जो रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। उसके अलावा यहाँ एंट्री का 200 रुपीज़ का, ठीक है। कुछ ऐसा बोर्डिंग पास होता है, ठीक है, इसका चार्ज 200 रुपये का होता है। और उसके अलावा अगर आप फूड वगैरह लेते हो तो 150 रुपये इसका माइनस हो जाता है एक पास का। तिरंगा बनाया हुआ है इंडिया के मैप के अंदर। ये पूरा मैप कवर करना है अपन को, पूरा का पूरा। और ये देखो जट, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद। हाँ मोहम्मद, मोहम्मद माशाल्लाह। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। कहाँ रहते हो तुम? कालाकुर्ती, आंध्रा कर्नूल। आंध्रा कर्नूल, मैं कर्नूल में ही स्टे करूँगा आज, आज यहीं रुकूंगा मैं, ठीक है। ये देखो भाई अलग ही चीज़ है, ये जिसने पास से नहीं दिखाया उसको पास से दिखा रहा हूँ एयरप्लेन। भाई साहब ये है डिपार्चर, जैसे रियल फ्लाइट में होता है, पूरा का पूरा एयर इंडिया वाला फील है। कैबिन और इट्स ऑल रियल यार, इट्स ऑल रियल, वेरी ग्रेट। वाओ, ये भी एसी चल रहा है अंदर, चिल हो रहा है अंदर से पूरा। तो भाई साहब इसमें दिखाया है कि सरनेम ने डेट लिखी है, और कुंडूल से पेरिस जरी फ्लाइट, आंध्रा से पेरिस जरी फ्लाइट। ये बहुत प्यारा बच्चा है, इसको अच्छा लग रहा है मेरे से बात करने। एक बार अच्छे से बोल, करा सब्सक्राइब, ये बोल डू लाइक, डबल डू लाइक, कमेंट। अरे अच्छा बोला, अच्छा बोला, डबल डू लाइक, डबल डू कमेंट, डबल डू सब्सक्राइब, राइट। ऐसा ही बोल, कैसे? अरे बोल ना, वेरी गुड। क्या बात है यार, नमाज का एक बहुत सेपरेट एरिया बना रखा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लगा ये चीज़ देखकर, बहुत खूब वगैरह सब है यहाँ पर। एक पूरा प्लेन अजान लग गई, वैसे कुछ डेकोरेटेड फ्लाइट बनाई हुई है उन्होंने, और मैं बैठा हूँ के पास। ये रियल तो नहीं है, लाइक फाइबर का पूरा बनाया हुआ है। मैन्यू है भाई इनका, ठीक है। और ये प्लेट है इनकी, ये डाइन फ्लाइट। बाकी मैन्यू थोड़ा सा हैवी है, बहुत भारी मैन्यू है, महंगा है। अब देखते हैं, अगर अच्छा हुआ तो मैन्यू की प्राइसिंग जो है दैट वुड बी गुड, बट अगर प्राइसिंग ज़्यादा, फूड का टेस्ट इतना खास नहीं है, तो देखते हैं क्या सीन होता है। कहीं नहीं, अपन है अभी एयरप्लेन के कैबिन के अंदर। देखो सारे रियल बटन्स, एक एक रियल बटन, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अपन को समझ नहीं आया। ये देखो, पता है क्या जाने क्या क्या है भाई, एकदम रियल बटन है सारे के सारे। ये पता नहीं शायद ये बेल्ट सीट हुआ करती थी बैठने की, और पूरा अबैंडन प्लांट है, प्लान है पूरा अबैंडन है। देखो ये ऐसा कुछ हुआ करता था अंदर से, ये ओहो हो। और ये पता नहीं जाने क्या है। और जब पायलट को अगर धूप लगती है तो इससे धूप अपनी छुपाते हैं या कुछ भी करते हैं, नो ये यहाँ अटक जाता है, तो पायलट को उससे धूप नहीं लगती है। और देखो ये रियल का पूरा नॉब, रियल नॉब, और ये पूरा रडार सिस्टम सब कुछ, यू कैन सी, अपन सब घुमा सकते हैं, सब कर सकते हैं भाई, सब अपने कंट्रोल पे। ये वार्मर एसी का एरिया है शायद, कंसोल फ्लोर, फूड फ्लोर, पता नहीं क्या क्या है। और ये पूरा का पूरा अपना पैडल, एक बार गद्दी पर बैठते हैं अपन, उसके बाद देखते हैं क्या क्या सीन है। ये आ चुके हैं अपन गद्दी पर, ये इसके गियर वगैरह, पता नहीं ये क्या है, पता नहीं ये हिलता है ना तो वो भी हिलता है उस साइड से, ठीक है। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। और ये देखो भाई, ओहो पूरा टूटा पड़ा है, यानी क्या है, ये कोई अबैंडन प्लान था, उनको लिया है इन्होंने और इस पर रेस्टोरेंट खोल दिया है। ये देखो भाई कैसे याद रखता है पायलट इस चीज़ को यार, गजब सच में। देखो ये गियर नॉब, ये पता नहीं जाने क्या है, ओके शायद इससे डायरेक्शन वगैरह मालूम पड़ती है उनको। और ये देखो ये पार्क ब्रेक, पता नहीं कैसे होता है,
और ये पता नहीं क्या है, ये रीसेट रिटर्न ब्रेक नहीं तो बुरा। इसको तो जैसे गियर में था ना अपने, ये पीछे हुआ ये आगे हुआ। ये छोटी सी पिन देखो कितनी कितनी सी पिन है, कितने कितने से बटन है भाई। और ये गया आगे, ये देख भाई एक नंबर यार सच में। ये ऐसे अपन बैठे हैं एक रियल प्लेन के अंदर, लग रहा है कि भाई साहब अपन हवा में, हवा में तो नहीं है नीचे ही है, ये जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है भाई, जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है। देखो बाकी नज़ारा एक नंबर यार सीरियसली, मतलब इससे अमेजिंग चीज़। और उसके अलावा मैं बताऊँ ना आपको कि अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं अलग अलग डायरेक्शन के लिए। ये देखो रिडार वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें, हर सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर, हर सिस्टम। मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगी, ये बटन होता है, ये पीछे से प्रेस करने का होता है, सच में नाइस यार, सच में नाइस। और ये शायद पायलट का वो कोट वगैरह रखने का जगह, यहाँ पायलट अपने कोट रखता होगा, यहाँ पर बैठने का शायद कैबिन क्रू में जो वो होती ना एयर होस्टेस, उसको बैठने का ये बेल्ट वगैरह है ना। और ये पता नहीं शायद, हाँ ये वो गैस टैंक, नाइस यार नाइस, सच में नाइस भाई साहब। ये अपना मनचाओ सूप सैलेड डंडिया। ये है अपना बिल और दो अपने बोर्डिंग पास थे, इसलिए अपना 300 रुपये डिस्काउंट मिल चुका है, बाकी नाइस है। अब एयरप्लेन के बाहर निकलते बारिश शुरू हो गई, अंदर तो बीच बचाओ था, बाहर आते बारिश शुरू हो गई। अब लेट्स सी कैसा क्या है। अब देखो ये रहा पूरा का पूरा एयरप्लेन, ऊपर एसी चल रहा है, नीचे पंखा घूम रहा है, देखो नाइस। यहाँ पर होटल KKM थर्ड फ्लोर पर, नीचे नहीं है, लगेज वगैरह खोल दिया है, चलते हैं ऊपर की और देखा, रूम भी बढ़िया है, देखा भैया रूम पे सामान फटका और आ गया इसी कंडीशन में, जैकेट उतार के आ गया डायरेक्टली। अब हैदराबाद में घूमने तो सोच रहा हूँ कपड़े ले लूँ यार, देखते हैं बाकी अगर अच्छा लगा तो कुछ लेते हैं। अपना ये शुक शुक के लिए लाइटें बंद कर दी, ड्यूटी हो रहा है ना लाइक दिस, भाई ने बंद कर दिया मेरे को अंदर, क्यों भाई ऐसा है ये शॉपिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू बैठने के लिए, वाव। हो गई शॉपिंग वॉपिंग फाइनली इन द रूम, अगर बहुत दिनों बाद वीडियो की एंडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज क्या ना यार थोड़ा थक जाता हूँ वीडियो एंड करना, भूल जाता हूँ। तो बाकी अब क्या आता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी हाँ हंसते रहें मुस्कुराते रहें, देखते रहें मेरी कहानी मेरी जुबानी, आप मुस्कुराएंगे हम खुश होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाकी हाँ पेड़ लगाना मत भूलना, हरा रहे इंडिया तभी तो भरा रहे इंडिया। थैंक यू सो मच गाइस।